हम आज बात कर रहे हैं कि चंद्रमा से कौन से अशुभ योग बनते हैं और उनका प्रभाव कैसा होता है। आखिर चंद्रमा से जो योग बनते हैं वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। देखिए, चंद्रमा पृथ्वी पर सबसे ज्यादा असर डालने वाला ग्रह है। इसका सीधा असर किसी व्यक्ति के मन पर और व्यक्ति के संस्कारों पर पड़ता है। इसीलिए चंद्रमा से बनने वाला अच्छा योग हो या बुरा योग हो, वो बहुत ज्यादा असर डालता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। चंद्रमा से जो अशुभ योग बनते हैं वो बहुत ज्यादा घातक होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। इसलिए इन योगों का सही समय पर उपाय करना जरूरी है। चंद्रमा के अशुभ योग अगर कुंडली में हैं और आप उनका उपाय नहीं करते तो आप मुश्किल में पड़ेंगे, आपको जीवन भर पीड़ा झेलनी पड़ेगी। मुख्य रूप से चंद्रमा के तीन अशुभ योग हैं, केमद्रुम योग, ग्रहण योग और विष योग। और भी अशुभ योग हैं, लेकिन ये तीन प्रोमिनेंट अशुभ योग हैं जो अगर कुंडली में हैं तो इनका प्रभाव बहुत गहरा और बहुत खराब होता है। चंद्रमा का सबसे ज्यादा निगेटिव योग, सबसे ज्यादा खराब योग है केमद्रुम योग। बनता कैसे है? और अगर निगेटिविटी आ गई है जिंदगी में, कुंडली में केमद्रुम योग है, तो इससे बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, चंद्रमा के दोनों तरफ अगर कोई ग्रह ना हो तो कुंडली में केमद्रुम योग बन जाता है। उस पर किसी ग्रह की दृष्टि हो, खास तौर से बृहस्पति की, तो थोड़ा इंप्रूव हो जाता है। लेकिन चंद्रमा अकेला भी हो और किसी ग्रह की दृष्टि भी ना हो तो ज्यादा स्थिति बुरी हो जाती है। ऐसी दशा में व्यक्ति को मानसिक रोग का या मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा आइसोलेटेड है, अकेला बैठा है, उन्हें कभी कभी एपिलेप्सी जैसी समस्या हो जाती है, मिर्गी की दिक्कत भी हो जाती है। अगर कुंडली में केमद्रुम योग होगा तो मानसिक रूप से आपको बीमारियां परेशान करेंगी। क्या उपाय किया जाए? इसके लिए रोज शाम को चंद्रमा का एक मंत्र है, ओम श्रां श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। ओम श्रां श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का रोज शाम को जप करिए। हर महीने में एक बार किसी भी पूर्णिमा या सोमवार को शिवलिंग पर चंदन लगाइए सफेद और जल चढ़ाइए। जितना आप भगवान शिव की पूजा करेंगे, जितना उनके मंत्र का जप करेंगे, जितना उनके ऊपर जल चढ़ाएंगे, उतनी जल्दी केमद्रुम योग से आपको छुटकारा मिलेगा। तो अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में केमद्रुम योग है तो उसे निरंतर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से केमद्रुम योग का प्रभाव समाप्त हो जाता है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।